लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। की कहानी ये है। हमारे गांव के मालिक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। गांव के हर काम में इनका योगदान होता है। हमारे गांव में जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है वो इन्हीं की वजह से। हमारे गांव में रेडियो में गाना सुनने वाले और टीवी दिखाने वाले भी यही हैं। और इतना ही नहीं, पहली बार गांव में टॉयलेट बनवाने वाले भी यही हैं। हटो हटो हटो, नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। अरे हटो ना। नमस्ते मालिक। हे हटो ना। हाँ, पहले तो कभी नहीं देखा। हाँ, अरे चाचा पीछे हटो। उनके पास रखी हुई कोई भी चीज कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए रात दिन की कोई बाध्यता नहीं है। हेलो। हाँ रुकिए, एक मिनट रुकिए, ये लो बात करो ना। हाँ ठीक है। क्या हुआ बेटी? वो चली गई माँ। अरे हम क्या करेंगे। जाए यहाँ सब काम मुझे ही करना पड़ता है, मदद करने वाले आदमी नहीं है। अच्छा, अब क्या बताऊँ तुम्हें। बेटी का कौन सा महीना चल रहा है? चौथा महीना चल रहा है भाई। सोचता हूँ मिलने जाओ लेकिन जा नहीं पा रहा है, काम ही खत्म नहीं हो रहा। अच्छा, है अच्छा। अरे उठाकर किनारे में डालो, रास्ता खाली करो। आप अपना काम संभाली, मैं तो बस यूं ही चला आया था, अब मैं जाता हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है, मेरे पिताजी की गाड़ी है ना वो पार्किंग में खड़ी है, काफी दिनों से चला ही नहीं। वो आ जाएगी तो बाहर जा सकते है ना। वो भी सही है। अरे भाई उसे जाकर बहुत देर हो गई, आखिर कहाँ रह गया वो? तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है। को देखने के बाद हमारे मालिक की जिंदगी में बहुत सारा बदलाव आया। इस कार की लाइफ यहीं से शुरू होती है, यही है इसकी कहानी। अरे तुम ही से कह रहा हूं, चलो घूम कर आते हैं।
दस दिनों के अंदर फसल काटना होगा। तुम कब काटने वाले हो? अरे भाई कब काटोगे तुम फसल? हाँ हाँ काटनी तो है ही। अरे भाई ऐसे ही गाड़ी को खड़ी रखोगे तो वो धूल खा जाएगी ना, उसे थोड़ा पहुंचते रहा करो ना। अरे नहीं भाई, लंबा सफर की है ना, बदन टूट रहा है, थकावट जैसी लग रही है भाई। हाँ घर के सामने अगर ये कार खड़ी हो तो घर की रौनक ही बदल जाती है। भाभी से कहिएगा मछली बहुत अच्छी बनी थी। भाई ड्राइवर से कह के गाड़ी को छांव में खड़ी करवाओ ना, पूरा दिन धूप में रहेगी तो देखो कलर उतर जाएगा ना। बार बार गाड़ी के बारे में मत बात करो, तुम्हें कोई और बात करनी नहीं आती, हमेशा गाड़ी के बारे में बोलते अच्छा, रहते हो। ठीक है छोड़ो भाई छोड़ो ना, कार अच्छी थी इसलिए कह रहा हूँ मैं तो। अगली बार आना तो भाभी को भी लेकर आना। भाई गाड़ी को ऐसे पानी से धोगे तो जंग पकड़ सकती है ना, आखिरकार लोहे का पतरा ही तो है और वो लगातार उसे पानी से धोए जा रहा है। हाँ क्या हुआ जी, ऐसे अचानक क्यों निकल रहे हैं? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत दिनों से सोच रहा था, लड़की भी पेट से है, उसके पास रहूंगा तो अच्छा रहेगा ना। क्यों नहीं? वो भी बार बार फोन करके परेशान करती है, इसीलिए उसके पास बार बार चला जाता हूँ। खाने के लिए कुछ लेकर आऊँ क्या? अरे नहीं, नहीं, आप कब आ गए? अभी 10 मिनट पहले ही आया हूँ। एक मिनट रुकिए मैं आता हूँ अभी। भाई साहब अपनी लड़की को देखने के लिए उसके गाँव जा रहे हैं, आप जल्दी इसे अपने पास रखिए। क्या है ये? हमारा वकील यहाँ आने वाला है, वो आएगा तो उसे ये दे दीजिएगा। ओ, मैंने सब कुछ लड़की के नाम कर दिया है। ठीक है तो फिर हाँ, चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो, खाना तो खाकर जाओ। अरे यार बहुत देर हो गई, बस ये पेपर देने आया था। हाँ वो भी सही है, जल्दी जाकर आना, वहाँ ज्यादा दिन मत रुक जाना। ठीक है ठीक है, संक्रांति के बाद आ जाऊंगा। अरे चाबी कहाँ रख दी मैंने? ए, चल चाबी दे, मेरे आने तक गाड़ी यहीं पर रहेगी, घर पर भी तो खड़ी रहती है। हाँ। यहाँ कम से कम चलेगी तो। क्या हुआ भाई? ठीक है ठीक है भाई। हाँ लड़की के घर में जा रहे हो। हाँ। आराम से उसे देख कर आना, कोई जल्दबाजी मत करना। अरे तुम भी ना। मालिक मेरे बच्चे को बचाइए मालिक। अब मैं क्या करूंगी मालिक मालिक। इसे क्या हो गया मालिक? क्या हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा, अचानक बेचारा ऐसे हो गया। मुंह से झाग तो नहीं निकल रहा? पानी वाला सांप होगा मालिक। नहीं नहीं जंगली सांप होगा मालिक, पानी वाला सांप। बेटे को बचा लीजिए मालिक। अरे कोई जल्दी से गाड़ी निकालो ना मालिक, आपको ही निकालना होगा, पर मुझे डबल सीट चलानी नहीं आती। अरे कोई जल्दी से गाड़ी निकालो ना, अरे किसे चलानी आती है? मालिक अपना मुर्गेश चला सकता है। मेरा अपना मुर्गेश तो ट्रैक्टर चलाता है ना। मालिक उसे एरोप्लेन जैसे चलाता है, इसे नहीं चला पाएगा। उसे सांप ने काट लिया है मालिक, तो तुझे बुलाया तुरंत। चल जल्दी चलते ट्रैक्टर पे बैठ, इस पे नहीं टाइम लगेगा, वो मर जाएगा तब तक। आ,
अरे कुछ नहीं हुआ है, क्या हुआ है? मुंह में फेस नहीं दिख रहा इसके। ए, तू गाड़ी चलाता है ना, तो हाँ ये ले। ए, ये क्या रहे, उठा के ले जा, जल्दी करो। उठा रहे, आराम से, चलो उठा, उठा, जल्दी लेके आओ बाहर, चल डाल 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 गाड़ी पे डाल, जल्दी जल्दी। अरे जल्दी चलो यार, क्या कर रहे हो, नाटकबाजी मत करो, चलो हॉस्पिटल लेके चलो। ए चलो ना, तुम लोग हटो, तुम लोग हटो, जाओ जाओ जाओ। अरे भीड़ कम करो, ए चलना अंदर, चलना जल्दी, क्या कर रहे हो, नीचे आ रहे हो। अरे तू चलना यार, क्या कर रहे हो, उनको संभाल। अरे लोहे का रॉड है, गियर कैसे डालते हैं? चला रहा हूँ, एक मिनट। हमारी गाड़ी चालू क्यों नहीं की है? मालिक गियर का रॉड नहीं मिल रहा, जैसे ही मिला वैसे चला जाऊंगा। मुर्गेश, हाँ मालिक, रॉड ढूंढनी जरूरी है क्या? पहले जाकर आप फिर ढूंढ लेना। मालिक, गियर का रॉड मिले बिना गाड़ी नहीं निकाल सकते। मिल गया। अरे तूने रॉड मांगी थी ना? कितने दिन हो गए कह रही हूँ बैल के लिए खाना लाना है, लेकर आ, लेकिन तो सुनता ही नहीं है। मैं क्या यूं ही घूम रहा हूँ क्या? काम के लिए तो घूम रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये पी लेना। कोई काम नहीं होता तुझसे, पूरा गांव घूमता है फिर भी। हाँ माँ, तुम्हें और तुम्हारे पति को ताना मारना ही तो बच गया। अरे बाप रे, हे भगवान। हाँ हाँ, राजा साहब को कोई भी काम नहीं बोलना चाहिए। कितनी बार शहर की तरफ गाड़ी लेकर घूमता है, सारे गांव का काम करता है, अपना काम बोलो तो टाइम नहीं मिलता। आज शाम को पक्का लेके आता हूँ। हाँ हाँ, सब जानता हूँ मैं। जिंदगी में कोई काम सीधे तरीके से किए हो क्या? ए, ये मार क्यों पी रहा है? जाओ उसे दही और मिर्ची निकाल के दो। बाबूजी, भाई चला गया क्या आज? हाँ, खाना खा रहा है भाई। क्यों रे, कार का क्लीनर रखने वाले तुम पहले आदमी हो क्यों? उस कार को वो धो नहीं सकते क्या? कार में बड़े बड़े लोग जाते हैं, उसमें तू सामने बैठ के जाता है, तेरा चेहरा शूट करता है क्या? मेरा चेहरा शूट नहीं करता है तो अपनी फोटो दे दो, उसी गाड़ी के आगे लगा देता हूँ। क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, अपना काम कीजिए। मैं सब जानता हूँ, तू अपनी सोच, बेवकूफ। ए सामने बाप है, चल। पनौती कहीं का। ए, चल चल निकल ले। अरे हाँ चल चल निकल। आ गए क्या? पता नहीं आज क्या होने वाला। माजी, सुस आई है। हाँ। पता नहीं क्या बात है। हाँ। अभी अभी तो बात शुरू की है, हम बात कर रहे हैं तो यहीं रुक, वो आ जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा बेटी। परेशानी क्या, कुछ बताओगी तब तो पता चलेगा। परेशानी क्या परेशानी जा, पापा तेरे पति को खाने के लिए बुला। डोसा बनाया था, हम खाकर आए हैं। हमेशा की यही प्रॉब्लम है पापा। क्या चाहिए वो बोलो ना। आप भी ना चुप रहिए पापा, पहले से ही मेरी इमेज इतनी खराब है इस घर में। सब लोग कहते हैं कि जब भी आती हूँ कुछ न कुछ लेकर ही जाती हूँ यहाँ से। मैं क्या किसी और के घर से ले जाती हूँ? अपने घर से ले जाने के लिए मुझे इजाजत लेनी होगी क्या? किसने कहा तुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत है? हा? जो भी है सब तेरा ही तो है, पहले तुझे क्या चाहिए वो बता। बात ये है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये पता करने के लिए मुझे इतनी दूर आना पड़ता है। कितनी बार मैंने आपको वहाँ बुलाया है पर आप तो आते ही नहीं। मैं भी आपसे मिले बिना रह नहीं पाती हूँ, और वो भी हमेशा काम के चक्कर में बाहर ही घूमते रहते हैं। मेरा फोन भी 2 महीने से नहीं चल रहा है पापा, तो आपसे बात भी नहीं हो पाती। बस इतनी सी बात है, ठीक है 2 दिन में नया लेकर भिजवा दूंगा। अरे अरे नहीं पापा, वरना फिर से माँ मुझे 2 बातें सुनाएगी। वो हमारा पुराना फोन है ना, ऐसे ही बेकार तो पड़ा है, अगर वही दे देंगे तो चलेगा, आप नया फोन भी ले सकते हैं। अरे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, वो अच्छा ही तो है।
आम ये चला लूंगी। वही सोच रही थी आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला। चुप रहो माँ, कोई नया फोन नहीं मांग रही हूँ। तू तो बहुत अच्छी है ना। अरे तुम चुप हो जाओ बेकार में, तू तो लेके जा बेटी। आपने देख लिया ना पापा माँ को, हमेशा मुझे ताने देती रहती है। ए मुर्गेश, क्यों करती है? ए माँ जी, आपने बुलाया? ये कॉफी ले जा और दामाद को दे दे। हाँ। ए हाँ जी, तू ही देना ठीक है? ठीक है माँ जी। ये पीड़ा ये ले। क्या हुआ? जाके उसको दे दे, उसका चेहरा मैं देखना नहीं चाहता, चल जा। हाँ। जीजा जी ये लीजिए कॉफी। क्या बात है जीजा जी, आपका तोन बहुत निकल गया है। हाँ भाई कम करना होगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जीजा जी, इसकी बात कर रहा हूँ। बस ऐसे ही मजाक कर रहा था जीजा जी। उठा उठा कर सब कुछ दे दो, फिर एक दिन भिखारी बनकर घूमना। अरे छोड़ो भी, जो कुछ है वो किसके लिए है? जो भी है क्या है, और जो भी था सब कुछ तो दे दिया ना उसे, हर चीज उठा उठा कर दे दी, पूरा घर खाली खाली लग रहा है। एक दिन ना ये घर भी दे देना, फिर जाकर रहेंगे किसी मैदान में, ऐसे ही कुछ सुनते ही नहीं है मेरी। हम लोग चलते हैं, सबको ताला लगा रखा है। बेवकूफ, जाकर इतना टाइम हो गया, अभी तक आए क्यों नहीं? मैं देख करके आऊं क्या भाई? नहीं रहने देना। क्या है, क्या कहेंगे? बहुत दिनों से बीमार पड़ा था और वैसे ही मर गया मालिक। घर वाले कह रहे हैं लड़की के पास ले जा, पर समझ में नहीं आ रहा है कैसे लेकर जाए। चल भाग। मुझे दी मुर्गे। जी मालिक। अरे इसे घर लेके जाना होगा। हाँ। बहुत दिनों से बीमार था ना ये। उसे बैलगाड़ी में ले जाने को कह रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि मैं कार में। हाँ। तू एक काम कर, तूने तो माला पहनी हुई है ना। हाँ। तो मैं किसी और को कहता हूँ, तेरी जगह वो ले जाएगा इसको। क्या कहा? दूसरे किसी को बुलाया है? हाँ। यहाँ कौन गाड़ी चला सकता है जो आपने ऐसा कह दिया? उसके गांव से बुलाया है ना, उस बेचारे के साथ भी तो कोई नहीं है, हमें इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए ना। यहाँ रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ए मुर्गेश, उस दिन हम लोगों ने इसे देखा था ना, एक बार और बात करके देखते हैं। अरे कहाँ चला गया था? मालिक भाई ने माला उतार दी। क्या बोल रहा है तू? जी पागल हो गया है क्या? कुछ भी जाने बिना देखे बिना ऐसे कुछ कर देता है, भूल कैसे गया कि भगवान की माला पहनी हुई थी तूने? बिना मंदिर जाए इसे कैसे उतार सकता है तू? वैसा कुछ भी नहीं होगा मालिक, वहां से आने के बाद वापस डाल दूंगा। आने के बाद डाल देगा? ये कोई चीज है जो कभी भी पहना और कभी भी उतार दिया? कोई लेकर नहीं जाएगा, ये आप ही कह रहे हो ना। मदद करने के लिए तो माला निकाली है ना, तो उस बात के लिए भगवान भी कुछ नहीं बोलने वाले। बेचारे हैं वो लोग। चलिए उन लोगों को लेकर जाता हूँ, आइए। चलो चलो उठा उठा, लेकर चलो 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 चलो। अरे चलो भाई, हाँ चलो, बढ़ते रहो बढ़ते रहो, रखो गाड़ी में। अरे आराम से आराम से। अरे अरे यार जरा देख कर, देख कर, ठीक है आइए आराम से। अरे हटो यार, हटो हटो हटो। अरे हटो पीछे पीछे, अरे पीछे ना। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम? जाएगा ऐसा पूछ रहा हूं लोगों को, हटो पीछे। ए तेरा कौन लगता है ये? मैं इसका सगे वाला। ठीक है बैठ, तू क्यों चिल्ला रहा? मैं दमाद हूं, चल दमाद, चल बैठ। अरे सामने बैठ।
जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, बताओ कितना अच्छा आदमी था चला गया। संक्रांति आ गई है, माला अभी तक नहीं पहना, मंदिर वंदिर नहीं जाना है क्या? अरे काएगा, कुछ लोग डालने को कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा मत करो। कोई कुछ भी बोले तो अपने को क्या, जब गांव पहुंच जाऊंगा तो माला डाल दूंगा। सबकी नजरों से बचाना। थू मेरी शर्ट मिली थी थूकने के लिए। अरे ये सब हर साल करना जरूरी है क्या? ये रिवाज है मालिक। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम तो बूढ़े हो गए, जाकर बच्चों को दो। ठीक है अब जाओ जाओ। ए नए कपड़े कहाँ आए? हाँ पेटी के अंदर रखा हुआ है माँ जी। पेटी के अंदर रखे हैं, पहने क्यों नहीं? गंदा हो जाएगा इसलिए रखा है। जा यहाँ से। कुछ नहीं बस ऐसे ही यहाँ आया था। तो तुम यहाँ पे क्यों चले? चलो ना, चलो अंदर चल के खाना खाते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? कुछ भी तो नहीं। क्यों जी, क्या मैं आपको जानती नहीं हूँ? त्योहार खत्म हो चुका है, भाई साहब गांव आएंगे, अपनी गाड़ी मांगेंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे यही सोच रहे हैं ना, इसीलिए कहती थी। दूसरे की जिम्मेदारी अपने सर लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी सुनता कौन है? और वो मुर्गेश को भी देखो, इस गाड़ी के लिए कितना नाचता है, अब क्या करेगा वो? अरे चुप भी करो ना, मैं कुछ और सोच रहा था और तुम कुछ और कह रही हो। मैं उसके बारे में भूल गया था, तुमने वापस आके याद दिला दी उसकी। आकर मांगेगा तो दे देंगे ना, इस तरह सोचने से क्या होगा, गाड़ी तो उसी की है ना, लेके जाएगा तो ले जाने दो। चलो खाना खाते हैं। माजी? अरे आजा बेटा आजा। कैसी हो माजी? पहाड़ पर गया था क्या? हाँ। अच्छा, मंदिर जाता है तभी दाढ़ी नहीं करता। मालिक कहाँ है माजी? वो ऊपर माले पर बैठे हुए हैं। ठीक है मैं उन्हें ये देकर आता हूँ। हाँ? यहाँ 2 दिन से ना वो बहुत उदास हैं। क्यों, क्या हुआ? त्योहार खत्म हो गया ना, अब भाई साहब आएंगे अपनी गाड़ी लेने, इसीलिए। वो कैसे, इतने दिनों तक हमने बच्चे जैसा संभाला, अब अचानक गाड़ी लेकर चले जाएंगे? तुम लोगों से किसने कहा था दूसरे की गाड़ी बच्चों की तरह संभालो? हमेशा से कह रही थी ना, कोई सुनता कहाँ है मेरी बात? हाँ खैर छोड़ो ये सब, जाओ उन्हें बुला कर लाओ, बात करके देखते हैं, हो सका तो ऐसी दूसरी गाड़ी ले लेंगे, है ना? हाँ नहीं माँ जी, दूसरी गाड़ी नहीं चाहिए, हम यही गाड़ी रख लेते हैं, उन्हें चाहिए तो दूसरी गाड़ी लेकर दें क्या? क्या कह रहा है वो, एक तो अपनी गाड़ी संभालने के लिए देकर गए थे हमें, अब उसे हम अपनी बनाकर उस पर कब्जा कर ले, ये किस तरह की इंसानियत है? कोई भला इंसान ऐसा काम करता है क्या? कुछ भी बोलता रहता है, हमारे पास पैसे हैं तो क्या किसी की कोई चीज रख लेंगे हम? मालिक आ गया, इतनी देर कहाँ था? माँ जी को बोल पानी रख दे, मैं नहा कर आता हूँ। क्या हुआ, तू उदास क्यों है रे? मालिक शनमुख जाएंगे तो उन्हें पैसे वैसे देकर गाड़ी ले लेंगे, अगर वो नहीं हुआ तो उनके पैर पकड़कर किसी भी तरह गाड़ी लेने की जिम्मेदारी मेरी। ऐसा मत सोच, इतने दिन गाड़ी हमारे पास थी तो हम लोग गाड़ी के बिना सिर्फ आप ही नहीं कोई भी नहीं रह पाएगा, इतना ही क्यों, माँ जी भी नहीं रह पाएंगी। Thank you.
मालिक गाड़ी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। नहीं क्यों ऐसा कह रहा हूँ ये मत पूछो, और ना ही मेरे पास इसका जवाब है, लेकिन गाड़ी वापस नहीं जाएगी ये मैं जानता हूँ। बस बस, अरे आगे उनको लेकर आओ। आइए भाई, आइए 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 आइए, आ जाओ आइए, बस बस और अच्छा बना। आइए बैठिए बैठिए, मुझे तो बहुत काम होते हैं, ऐसे थोड़ी होगा भाई। यहीं बैठिए ना, बैठो भाई, दो भाई को दो। अरे भाई को अच्छे से खाना खिलाओ। अरे सुन, थोड़ी सी सब्जी दे। देखने में डर लग रहा है भाई। अरे पागल, उधर देख। देख रही है भाई। अब तो पक्का नहीं देखेगी। देखा क्या, वो लोग तेरा पीछा कर रहे थे। चलो जल्दी करो। ए देख, वो लोग यहाँ भी आ गए। कर रहे हो? आज के बाद मेरे पीछे मत आना, समझ गए? क्या भाई, उस लड़की ने गुस्सा किया इसलिए उदास हो गए? मैंने पहले ही कहा था आपसे, ये सब हमें नहीं चाहिए। गाड़ी लेकर गए और चुपचाप वहां से वापस भी आ गए। क्यों बे? मैंने तुझसे कुछ कहा क्या? मैं उदास हूँ ऐसा? तू चुपचाप देखते रहने का काम कर। एक लड़की खुद ब खुद आकर बोलती है क्या कि मेरे पीछे घूम घूम घूमता रहे, उसे कैसे हैंडल करना है ना मुझे पता है। निकल, नहीं तो और मारूंगा। चल। ए मुरुगेश। जी मालिक। चलें क्या? हाँ जी मालिक। ये ना लेता तो इसे भी लेकर चलते। उसे नहीं ले जाना है, आप चलिए। अरे सुनो, चल रही हो क्या? कहाँ? हाँ, फिल्म देखने मंदिर चलते हैं। मंदिर जा रही हूँ। मंदिर जाने के लिए मैं गाड़ी में क्यों बैठूंगी? इतने दिनों तक क्या मंदिर गाड़ी से जा रही थी? और वैसे भी तो आपको गाड़ी चलानी आती नहीं है। पहले गाड़ी चलाना सीख लीजिए, उसके बाद कहिएगा कि गाड़ी में आकर बैठ, फिर आकर जरूर बैठूंगी आपकी गाड़ी में। दूसरों की गाड़ी में नहीं बैठना है मुझे। ए, अरे सुनो तो। अरे ये तो कैसे बेइज्जती करके जा रही है, देखना एक दिन मैं चला के दिखाऊंगा। रेडी हो क्या? हाँ,
अब चलेंगे? हाँ चलाएंगे ना। जाइए। तो चलो फिर, ठीक है। मालिक, हाँ? पहले दरवाजा ढंग से बंद करो। हाँ। दो ही दिन में सीख जाऊंगा ना? नहीं, दरवाजा हाथ में आ जाएगा। चलिए, अब मतलब की बात करूं। मुर्गेश, हाँ? गाड़ी चलाते हो, बार बार इशारे में किस लिए देखते हैं? वो हवा आती है ना अंदर, तो बाल इधर उधर हो जाते हैं ना सर के। हाँ? अरे मालिक, पीछे से कोई गाड़ी आती है नहीं देखने के लिए, अब तो आया ना समझ में। ये पैर के पास जो तीन रॉड है ना, उसी पर गाड़ी चलती है। हाँ? मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? उधर देखो ना पैरों के पास। हाँ? ये पहले रॉड पर सीधे पैर रखो। हाँ? वो है क्लच। हाँ? और तीसरे रॉड पर दायां पैर रखो। अरे आप पैर रखो ना, तीसरी रॉड बीच मेरा पैर खाली है, उस पर पैर रख दूं क्या? क्या मुर्गेश, ऐसे नाराज नहीं तो क्या? मैं समझा रहा हूँ ना आपको। ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना? हाँ ठीक। पहला रॉड है क्लच, तीसरा रॉड है एक्सीलेटर, और बीच का रॉड है ब्रेक। हाँ, पहला रॉड, तीसरा रॉड एक्से, पहला रॉड, बीच का रॉड। मेरा मुंह मत देखिए, नीचे देखिए ना। पहला रॉड, पहली रॉड, तीसरा रॉड मुर्गेश, पहला रॉड, पहली रॉड, तीसरा रॉड, तीसरी, बीच का रॉड, बीच की रॉड, तीसरा रॉड मुर्गेश, बीच का रॉड मुर्गेश, पहला रॉड मुर्गेश। मालिक, ए मुर्गेश बता, पहली रॉड क्लच। मुर्गेश, पहली रॉड क्लच। क्लच 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 ही तो है। हेलो, अरे तुम्हारे मालिक कहाँ है? आप कौन? मैं सनमुगम बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। जरा उन्हें बुलाना। हाँ हाँ, अभी बुलाता हूँ। मालिक, मालिक, क्या हुआ, कौन है फोन पे? शनमुगम जी का फोन है। अच्छा, अब उनका फोन क्यों आया होगा? अरे कहाँ भाग रहा है तू? मालिक, वो शनमुगम जी का फोन है। क्या बोला वो? पता नहीं, माँ जी बात कर रही है। बात कर रही है? तुझसे क्या कहा वो बताना। मैंने उतनी बात नहीं की। क्या कह रहा होगा फोन पे कुछ पता नहीं, क्या बोल में कुछ समझ नहीं आ रहा। मजी आ रही है। सेल्वी। हाँ माँ जी, वहां सब काम हो गया? अभी हो जाएगा माँ जी। मुर्गेश, हाँ? पूछ, आप ही पूछिए ना। पूछना मालिक, माँ जी, माँ जी। हाँ? नहीं, शनमुगम जी ने फोन पे क्या बोला? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आने में कुछ दिन और लग जाएगा। ये क्या, एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है और आप ऐ कर रहे हैं, गाड़ी देकर ना अंधे हो गए हैं आप। हाँ, तुम बात कर रही थी तो मैंने सोचा मैं भी बाद में दो बात कर लूंगा, लेकिन तुमने तो बात करके काट दिया फोन। हाँ? क्यों बे, गाड़ी ऐसे ही धोते हैं क्या? ये पीड़ा है, ये सब क्या है? कितना भी साफ करो ऊपर से फूल गिरता है। हाँ बराबर जवाब दे रहा है, तेरी चमड़ी उधेड़ता हूँ, रुक। हाँ तो मुर्गेश। जी मालिक। मैं रेडी हूँ। चल 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 चल, आजा आजा आजा, चल चल गाड़ी चलाएंगे। मालिक, वो भूसा लेकर आना है ना राइस मिल से। अरे वो अभी जरूरी है क्या? मैं गाड़ी चलाने के लिए सुबह से तैयार होकर बैठा हूँ और तू अब भूसा भूसा कर रहा है। चल ना, हम लोग चलते हैं। मालिक, कितने दिन हो गए आपको मैं गाड़ी सिखा रहा हूँ? क्या कितने दिन हो गए? हाँ? ये पूछ कितनी बार चलाया। एक बार ही चलाया, सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा ये बता दे। सब छोड़िए, गाड़ी सिखाने को लेकर कितने दिन हो गए? चार दिन हो गए। गाड़ी सिखाने का जो शुरुआती दिन होता है ना, वो पहला दिन पकड़ा जाता है। तो क्या करना होगा? चार दिन चलाएंगे तो 10 दिन का रेस्ट चाहिए। कुछ बोले जा रहा है मालिक, गाड़ी चलाना भी एक कला होती है, जैसा सोच रहे हो वैसी मामूली बात नहीं है। इस रॉड को चार बार दबाते ही गाड़ी चलाना सीख जाओगे क्या? ये देखिए इसके अंदर कितनी मशीनें, आपको पता भी है? मालिक इधर, आप यहाँ पर जो एक एक चीज देख रहे हो ना, उन सबकी एक एक वजह है।
अगर कुछ गलत हो गया तो पूरा चला जाएगा। उसके लिए क्या करना चाहिए? रेस्ट लेना चाहिए। लेकिन तू तो गाड़ी डेली चला रहा है ना। वो गाड़ी चलाना सिखाने की बात है और ये मैं पहले की बात कर रहा हूँ। अभी इस गांव में सबसे बड़ा ड्राइवर कौन है? मैं ही हूँ ना। छोड़ो छोड़ो, हमें क्या करना है? मालिक, आप चलाने से गाड़ी को कुछ हो गया तो क्या? अरे रे, वहां तक नहीं छोड़ूंगा मैं। फिर भी रिस्क लोगे तो ही आप गाड़ी चला सकते हो ना। जल्दी से गाड़ी चलानी है या नहीं चलानी? चलाना। हाँ तो बस ठीक है। अब तक तूने जो कुछ मुझे सिखाया ना, मैं उसे याद करने की कोशिश। बहुत बढ़िया। मुर्गेश, अगले महीने मेरी शादी की सालगिरह आ रही है। तब तक गाड़ी चलाना सीख जाऊं तो तेरी माँ जी को बिठा के मंदिर तक ले जाऊंगा। बहुत बढ़िया गाड़ी चला लोगे मालिक। ऐसा क्या? और क्या, सही है। अरे तुझे कहीं जाना था, तू जाकर आ। हाँ, वो भूसे की बोरी लेने जाना है। हाँ ठीक है ठीक है। ए पीड़ा। हाँ? मैं तो बच गया यार, ये तो आज भी वो मेरा कीमा बना देते हैं। क्यों गाड़ी चलाने का शौक चढ़ गया है उनको? तो फिर मुझे भी सिखाना चाहिए था ना, गलती से पूछ लिया था। उतर बे और जाके पानी ले गया। जा। अरे बाप रे, वो आ गई। हैं? पास वाले मंदिर में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखिए, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था, कार के रेडिएटर में पानी डालना था, इसलिए मैं। कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा मत करो, इस गांव में मेरे पिताजी का नाम है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो। हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ। क्या क्या कहा तुमने? ठीक है, हो गया ना। अब तुम मुझे पसंद हो, शादी करोगी? लगा ही था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे मुझे। आज के बाद मेरा पीछा मत करना, मुझे ये सब पसंद नहीं। जब भी तुम मेरा पीछा करते हो, मैंने कभी तुम्हें मुड़कर देखा है क्या? मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है क्या? ऐसे क्या देख रहे हो? जहाँ भी जाती हो मेरे पीछे चले आते हो। हाँ अभी थोड़ी सी बात कर ली तो आज की बात मेरा पीछा मत करना। अरे गाड़ी के रेडिएटर में पानी। तो मेरे मिल के सामने आकर खड़े हो गए थे। एक दिन गाड़ी को बीच में रोककर देख रहे थे, गाड़ी एक दिन दुकान के पास खड़े होकर देख रहे थे। मैं मंदिर जाती हूँ वहाँ भी चले आते हो। मैं शांति से दुकान भी नहीं जा सकती, काम पर भी नहीं जा सकती, कहीं भी जाती हूँ तो मेरे पीछे पीछे चले आते हो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? सब लोग मुझसे पूछते हैं कि ये लड़का कौन है, तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है। मैं किस किस को क्या जवाब दूँ बताओ? मेरे पापा का इस गाँव में नाम है, सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं साफ साफ कह देती हूँ कि आज के बाद मेरा पीछा मत करना। और ये मैं तुमसे आखिरी बात कह रही हूँ, बस एक ही बात बता दो, मैं तुम्हें पसंद हूँ? गाड़ी डाल दी ना, अब गांव वालों को मेरी गाड़ी की जरूरत नहीं है। वो तो दिख रहा है मालिक। चुप कर ना तू। क्या कलर मारा है कसम से। अभी तक आई नहीं भाई। भाई आ रही है लगता है। हाँ
अरे कौन है रे, कार बैलगाड़ी की तरह चला रहा है। भाई अगर कोई गांव वाला होगा तो लफड़ा हो जाएगा, संभाल के। क्या पॉपो करके हॉर्न बजा रहा है बे? सामने से गाड़ी जा रही है, दिखता नहीं है? हाँ, जोर से चलाने वाला रोड है क्या ये? धीरे से आ बे। उसको बोल गांव में गाड़ी जोर से नहीं भगाने का, शहर जाके भगाने का। आपकी बातें सुनने के बाद अब वो घूम कर भी नहीं देखेगा। देख रहे हैं भाई कैसे गाड़ी भगा के जा रहा है, जैसे सांप सूंघ गया हो उसे। अरे पापरे, हैं? मालती आई होगी यार। क्या हुआ, वहां क्यों देख रही है? तुझसे ही पूछ रही हूं। गाड़ी आ गई है, तू वहां क्या देख रही है? क्या हुआ तुझे, चल ना, नहीं जाना है क्या? अरे क्या हुआ तुझे, चल चल। पोस्टमैन कब आएगा बे? उसके आने का टाइम हो गया। अरे आ गया वो। अरे आओ भाई आओ। कैसे हो, बढ़िया हो ना? अरे आओ ना, आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात है। आजा आजा। अरे हाँ बात करते हैं, पहले इसको खोलो तो सही। ये लो खोलो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, खोलो। अच्छा रुको, करता हूं। खोलो जल्दी। अरे गांव वालों को लेटर है, फाड़ मत देना। सुनो मेरी बात, मेरी बात। ये लो, पकड़ो, पकड़ो। क्या कर रहे हो? अरे ये पागल लड़का है। कल मैं कुट्टारम जा रही हूँ, मेरा बहुत ही जरूरी काम है, मुझे जाना ही होगा। ए साइकिल क्यों गिरा दिया बेवकूफ कहीं का? क्या हुआ भाई, यही है क्या? अब तुम लोगों का यही काम रह गया है, जिंदगी में नहीं सुधरोगे। आज गाड़ी दिख क्यों नहीं रही है? सुनिए जी, आज गाड़ी दिख नहीं रही है, आखिर कहाँ गई? कहीं भी लेकर जाए तुम्हें क्या, तुम्हें तो गाड़ी में बैठना ही नहीं है ना। हे भगवान, आपसे तो पूछना ही बेकार है, कहीं भी जाए गाड़ी मुझे क्या। दुकान के आगे गाड़ी क्यों खड़ी कर रहे हो? अरे भाई वो हमारे गांव वाले घूमने आए हैं और परिवार के साथ हैं, उनके साथ एक बच्चा भी है, वो आया है कि नहीं जरा देख रहा हूँ। आपने आते हुए देखा क्या? क्या भाई, प्यार है क्या? हाँ एक चाय दे। अरे इसमें इतना शर्माने की क्या बात है, तुम्हारी तरह वो लड़की भी तुम्हें कहीं ढूंढ रही होगी। आप ही ना भाई, कुछ भी बोलते हो। चलिए मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ। जल्दी आ जाना बेटी। बस स्टैंड के बाजू में फोटो स्टूडियो है, तुम वहां आ जाना। ठीक है। ए!
हाँ जरा सीधे खड़े रहो, एक मिनट एक मिनट। ए पीड़ा जाए, जल्दी आ, जल्दी आना यार। हाँ मुसीबत है, पूरा गांव घूम कर आता है, यहाँ बोलता है जल्दी है। तीन बातें याद रखो, सीधे पैर में एक्सेलरेटर, इस हाथ में क्या हुआ, ऐसे पैर क्यों हिला रहे हैं, नाचने का इरादा है क्या? और थोड़े दिन की बात है, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, ऐसे कहने वालों को रहने दो। सुनिए जी, अपनी शादी की सालगिरह से पहले गाड़ी सीख लेंगे तो उसमें बैठकर मंदिर जाएंगे, अगर सीख ही रहे हैं तो फिर जल्दी सीख लीजिए ना। जरा खुशी तो देखो तुम्हारी, उस दिन जब मैंने बुलाया तो आई नहीं है, और अब तुम बोलोगे तो मैं सुनूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सुनने वाला मैं। झूठ मत बोलिए मुझसे, आप उसी के लिए सीख रहे हैं ना, मैं सब जानती हूँ। बिना मतलब खुश मत हो, सब कुछ फुस हो जाएगा देखना। मैं भला क्यों फुस हो जाऊंगी, मैं क्या 16 साल की लड़की हूँ, देखिए मुझे सब समझ में आता है। देखो मैं लेकर तो जाऊंगा नहीं, बोल दिया तो फिर बेकार की बात क्यों? मुझे तो नींद आ रही है। इसकी चर्बी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सुनिए ये सब बचपना छोड़ दीजिए ना, अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो आप कैसे रहेंगे? अब तक तो तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें करी थी, अब क्या हो गया तुम्हें? चुपचाप सोने दो मुझे। देखिए अगर कल मुझे अचानक कुछ हो जाता है तो आप रह पाएंगे क्या? मुझे सब पता है आप कैसे आदमी है, आपको कोई नहीं झेल सकता। सुन रहे ना, मेरी तरह आपका ख्याल कोई भी नहीं रखेगा, याद रखिएगा मेरी बात। अरे बिल्कुल मत करना। ये सब क्या है? मालिक तू कब गया था भोसा लेने और कब तू आ रहा है, ये कौन सा वक्त है? नहीं मालिक, वो पीड़ा ही। अच्छा अच्छा, मेरा नाम ले रहा है। मैं वो गाड़ी सीख रहा हूँ और सिखा कर उसे मंदिर ले जाऊंगा, ऐसा उसे कैसे पता चला? तूने बताया? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं कहा। चिल्ला के क्यों बात कर रहा? नहीं मैंने कुछ बोला ही नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर कैसे उसे पता चला? ये बता ना, क्या मैं इतनी जल्दी गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा? बस इतना ही ना, कैसे सिखाता हूँ आप देखना। आप और माँ जी कुट्टारम जा रहे हो। ए? मैं मंदिर जाने की बात कर रहा हूँ और तू दूसरे शहर जाने की बात कर रहा है? मालिक मंदिर जाकर वैसे कुट्टारम जाएंगे, ऐसा मैंने कहा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बच गए। क्या चल रहा है ये सब? देखो तो कैसा लग रहा है? बता ना। मालिक ने यहाँ पर आपका नाम लिखवाया है। ए, चलो निकलो यहाँ से, चलो। ये तो बिना मतलब के कुछ भी बोल देते हैं, तुम में अकल नहीं है जो लिखने लग गए। क्या बोल रही हो, लिखने से क्या हो गया? क्या हो गया से क्या मतलब आपका? आप में कोई समझ नाम की चीज नहीं है, किसी की गाड़ी पे कुछ भी लिख देंगे, कल को वो अपनी गाड़ी लेने आएंगे तो क्या जवाब देंगे हम उन्हें? अरे कल ही तुमने बोला था ना कि मैं तुम्हें इधर उधर गाड़ी में लेके जाऊंगा। हाँ, तो हाँ कहा था, लेकिन अपनी गाड़ी पर लिखने के लिए कहा था ना, पता नहीं कब अकल आएगी इनमें। ए खबरदार जो कुछ लिखा है तो उस पर। लगता है आपका लिखना उन्हें पसंद नहीं आया भाई। मिटा दे इसे। Thank you.
अरे अच्छे से पूछो ना भाई। क्यों भाई गाड़ी पोछ रहे हो? देखकर दूसरे की गाड़ी है, कोई खरोंच ना आ जाए। गाड़ी देखना। हाँ ठीक है। अरे क्या आदमी है यार ये, कभी भी आके खड़े हो जाते हैं। गाड़ी पोछने का मूड ही निकल गया। क्या पापा, गाड़ी यहाँ बहुत दिनों से पड़ी है, गांव के सारे लड़के चला रहे हैं लगता है। संभल कर, दूसरे की गाड़ी है, उनके आने से पहले अगर कुछ हो गया तो आपको खर्च उठाना पड़ेगा। अरे वो सब देख लेंगे ना। वो आएंगे तो गाड़ी ले जाएंगे क्या, या फिर अपनी ही हो जाएगी? क्या अपना हो गया, उनकी गाड़ी है, उन्हें ही देनी होगी। हाँ तो मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। अपनी नहीं है वो। तुम्हें देने के लिए क्या है, अपना होगा तो क्या ये पूछने वाली बात है, सीधा ले लेना, इसमें क्या बात है। मुर्गेश, ए मुर्गेश, मुर्गेश। हाँ माँ जी। भूसा और खाद लाने के लिए कहा था ना, जा लेकर आ। माँ जी मैं तो परसों ही लेकर आ गया। माँ जी उसकी नजर इस गाड़ी पर है, तू गाड़ी लेके निकल। माँ जी मैं खाद लेके आ जाता हूँ। जाओ ना। चल 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 ना। देखा ना, वो इधर उधर की बातें घुमा फिरा कर गाड़ी पर ही आ गया था। हाँ? वो तो अच्छा हुआ कि माँ जी ने अपने को बाहर जाने के लिए बोल दिया, वरना आज तो वो लड़की गाड़ी लेकर चली जाती। भाई वो पागल पीछे से आ रहा है। आने दे उसको, आज मैं देख लेता हूँ। भगाओ भगाओ भगाओ। क्या पापा गाड़ी दिखाई नहीं दे रही, कोई फिर से लेकर चला गया क्या? मैं बोलूंगी तो आपको बुरा लगेगा, आप चलिए जी। आती हूँ पापा। हाँ, आती हूँ माँ। पहचानने में ही नहीं आ रही है, कितने दिनों के बाद आई है। आजा आजा आजा, दे मुझे दे। आई आई आई, आजा अंदर आ। सुनिए जी, किसका बच्चा आई है? सन्मुगम भाई की बेटी आई है, मुर्गेश को कहिए कि गाड़ी जल्दी लेकर आ जाए। उसका बाप भी आएगा? नहीं जी, क्या बात है पता नहीं, आप जल्दी से आ जाइए, वो बैठिए वहाँ। इसकी शक्ल तेरे जैसी है। हाँ बेटी। हाँ, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। बैठो बैठो बैठो। अरे इसको कुछ खाने पीने के लिए पूछा? नहीं, पूछा पर मना कर रही है। कुछ लाऊं बेटी? कुछ तो खा लेती ना बेटी। पापा नहीं है तुम्हारे? पापा क्यों सर का है? ये कब बोल रही तू? ये कब हो गया? हाँ बहुत दिनों से छाती में दर्द है कह रहे थे, डॉक्टर के पास दिखाया तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, मगर अचानक ही पापा की जायदाद के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, उन्होंने किस किस को क्या क्या दिया है मैं नहीं जानती, आपको कुछ पता है क्या? क्योंकि यहाँ मैं किसी और को अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, अगर आप बता देते तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती, क्योंकि यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकती, मुझे जल्दी जाना होगा। जाइए ना। हाँ।
क्या है ना, फोन काम नहीं कर रहा, वरना तुम फोन करती तो मैं किसी को भी भेज देती यहाँ से। नहीं नहीं माँ जी, छाती में बहुत दर्द हो रहा था और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार ही नहीं थे, किसे पता था कि ये सब हो जाएगा। मालिक, मालिक। शनमुगम की बेटी आई है ना? हाँ हाँ वही है। अब क्या करने वाले हो? वो तो कुछ पता नहीं, तू चाबी दे दे मुझे। नहीं नहीं, मैं जैसा बोलता हूँ सुनो, उसने गाड़ी की चाबी मांगी क्या? अभी तक तो नहीं मांगी उसने, लेकिन हाँ। उसने बोला कि मेरे बाप ने जो कुछ भी दिया वो मुझे वापस दे दीजिए। हाँ। वो सारे पेपर्स लेने आई है। हाँ तो फिर क्या, वही दे दो ना, बाकी बाद में देख लेंगे। ए, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। हाँ तो चलने दो, पता होता तो पूछती नहीं क्या? गाड़ी को देखेगी तो ही परेशानी होगी, वो मैं देख लूंगा, आप उनको सिर्फ पेपर दे दो। मालिक चाहिए ना, चाहिए ना, मैं कह रहा हूँ। अभी एक कदे गाड़ी को धक्का मार। बेटी ये वो सारे पेपर्स हैं मेरे पास, तुम्हारे बाप ने रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो पूछना ही भूल गई, पूजा कैसी है? हाँ, अच्छी है, अच्छी है। ठीक है अंकल, उसे कहना मैंने पूछा। ठीक है, मैं निकलती हूँ माँ जी। हाँ हाँ ठीक है, चलती हूँ अंकल। जरा रुको तो बेटी, जरा अंदर आइए। ओ नहीं नहीं नहीं, गाड़ी के बारे में कोई बात क्यों नहीं की आपने? देखिए उसके पिताजी नहीं रहे अब, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं उनके साथ? गाड़ी की चाबी दे दीजिए उसे। मुर्गेश, ए मुर्गेश। जी माँ जी। चाबी दे। हाँ? गाड़ी की चाबी दे। दे 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 दे। ये लीजिए। क्या है ये? बेटी तेरे पापा जब यहाँ से गए तो जाते समय एक गाड़ी यहाँ छोड़ गए थे, मैं भूल गया था बेटी, ये ले चाबी। गाड़ी यहाँ है, मुझे पता है, पापा ने बताया था और उन्होंने ये भी कहा था कि गाड़ी यहीं रहने दो। मैं ले जाकर क्या करूँगी, वैसे भी पापा ने आपके पास छोड़ी थी और मैं वापस लूँ अच्छा नहीं लगेगा। पापा की निशानी सोचकर आप ही अपने पास रख लीजिए। दो दो ना अंकल, पैसे देकर मुझे पराया मत बनाइए प्लीज। तू भी तुम्हारे घर की बेटी जैसी है और बेटी की बेटी होने के बाद पहली बार आई है, जल्दबाजी में हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। ये मत सोचना कि मैं गाड़ी के लिए दे रहा हूँ, बच्ची को लेकर तुम पहली बार यहाँ आई हो तो मैं कुछ तो करूंगा ना। रख बेटी, गाड़ी के लिए नहीं दे रहा हूँ, तुम रखो इसे, रखो। ए मुर्गेश। जी मालिक। इधर आ, चलना हो ना। बेटी को लेके जा, घर छोड़ गया, बच्चे का ख्याल। छोड़कर गाड़ी लेकर आऊं? हाँ हाँ, मतलब इनको छोड़कर मैं गाड़ी लेकर आ जाऊं? हाँ जा, बदमाश कहेगा। अबे क्या देख रहा है, चल। आ, 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 गाड़ी पर घास डाल के रखी है तूने। मालिक वो अभी अभी निकालता हूँ, अभी अभी चल निकाल जल्दी। मुझे देखने दे। ए जाना। ए यहाँ क्या कर रहे? चल भाग यहाँ से। चल निकल यहाँ से। मारे कर। हट। जब देखो मुंह उठा के चले आते हैं, उसका यही काम हो गया इनका। ए तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? सामने की सीट पर बैठने का नंबर मेरा था, उन्होंने बैठने नहीं दिया भाई। सामने की सीट पे बैठेगा, एक दूंगा बस सुसु आ जाएगी। चल भाग यहाँ से। प्लीज भाई एक बार बैठने दो ना। तू आज खाने वाला मेरे यहाँ से, चल यहाँ से निकल। ए हाँ भाई। किधर? सामने की सीट पे बैठेगा। हाँ भाई। घर जाके माँ से 5 रुपए लेके आ, तुझे सामने की सीट पे बिठाता हूँ मैं। 5 रुपए लेकर आऊँ? क्यों बे, कितना लेकर आ सकता है? नहीं नहीं भाई, कल 5 रुपए पक्का लेकर आऊंगा। कल 5 रुपए लेकर के आना, सामने की सीट क्या ड्राइवर की सीट पे बिठाऊंगा तुझे। ठीक है भाई, ठीक है, चल जा।
मैं पक्का बैठाओगे ना? हाँ पक्का बैठाऊंगा बेटा। ए क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं, बच्चे ने मिठाई खाने के लिए 10 रुपए मांगा, वही दे रहा था। है? 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 अरे मुर्गे जी मालिक, चाबी ले ली क्या? हाँ मेरे पास ही है। क्यों भाई मुर्गेश, एक औरत थी जो ये बोल रही थी कि वो दूसरे की गाड़ी में नहीं बैठने वाली, अब पूछ वो क्या करेगी। मुर्गेश इनसे के पहले चला कर दिखा, बाद में देखूंगी। ए, चला कर दिखाऊंगा देखना। मालिक ए, सब कुछ तो तेरे भरोसे कर। अब चलिए ना मालिक। हाँ चल। ए, ये गाड़ी पर किसका नाम लिख रखा है? मुझे क्या पता। ए, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ए काम पे ध्यान दे, काम करो। पता है सब जानता हूँ मैं कौन क्या है। अरे सब अच्छे से समझता हूँ। वापस आना भी है ना, चलिए चलते हैं। वो भी उसके साथ मिला हुआ है क्या? कौन किससे मिला हुआ है मैं कुछ नहीं जानता, आप चलिए आइए। हाँ हाँ तू भी उसके साथ मिलके खेल खेल रहा है ना। आप दोनों के बीच में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चुपचाप बैठे रहिए। क्या कर रहे हो, सब कुछ खोल कर पहुंचने बैठ गए? बस ऐसे ही थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ अच्छे से। हाँ। क्या कर रहा है ये सब? हाँ, उधर जाके करना ये पीड़ा ना, कुछ भी करो हमेशा डांटते रहते हैं। थोड़ा सा जो रह गया था वो सब निकाल रहे हैं। अच्छा सुन जी मालिक, देख इस पैर से दबाएंगे वो है एक्सीलेटर है ना। हाँ। बीच में जो है वो है ब्रेक। हाँ। और ये जो पैर में आता है वो क्या है उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे यार। क्लच। अरे यार अगली बार मैं तुझे बिल्कुल सही बताऊंगा देखना। मुझे आने को कह रही और तुम यहाँ खड़ी हो। आप पहले जाकर हाथ मुंह धो लीजिए। ठीक है। मुर्गेश तू भी जाकर हाथ पैर धो ले जा। नहीं माजी पीड़ा को आ जाने दो ना। ये कैसी गाड़ी चलाते हैं? कौन अपने मालिक? कह रहे थे शादी की सालगिरह से पहले सीख जाऊंगा। सीख जाएंगे ना? वो जब गाड़ी चलाएंगे तो आप उनके साथ बैठ कर जाएंगे, ये तो इस जन्म में नहीं होगा। उनको मैं इतना सिखा रहा हूँ लेकिन वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो और आप भी उनके पीछे। अरे रे मैं तो सोच रही थी कि वो जल्दी ही चलाना सीख जाएंगे। वो गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते क्या? माँ जी मैं नहीं होगा ऐसा थोड़ी ना बोल रहा हूँ, अपने मालिक को कुछ आता ही नहीं। मुर्गेश जो कहा है उसके बारे में परेशान मत होना। उस दिन ना तू उनको आगे की सीट पर बिठाना। हाँ। और तू उनके पास बैठ जाना। वो गोल गोल क्या होता है वो? स्टीयरिंग। हाँ हाँ वही है। तू उस दिन ना उनसे कहना कि वो पकड़े। हाँ। चलाना तू ही, और उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो चला रहे हैं और तू बोला अरे वाह क्या चला रहे हैं मालिक आप, वो बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे भी खुशी होगी। मुर्गेश बिल्कुल बच्चे बन गए हैं वो, चाहे कुछ भी करके बेटा उन्हें गाड़ी चलाना सिखा दे। ठीक है माजी। चल तू भी खाना खा ले। हमेशा तो बकबक करते रहते हो, आज क्यों खामोश खड़े हो? क्या कहा? मैं बकबक करता रहता हूँ? हाँ तो कुछ पूछूंगी तो जवाब तो दोगे ना? हाँ पूछो ना। तुम्हें यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। ए, तुम्हें क्या चाहिए बताओ ना। कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें तो तुम कुछ मांगने के लिए आई हो, सीधे से बोलो। मैं यहाँ कुछ मांगने के लिए आई हूँ ये तुम्हें कैसे पता? कुछ मांगने नहीं आई? मांगने नहीं आई ना, ठीक है छोड़ो। ठीक है तुम पूछ रहे हो तो बता ही देती हूँ। वो जल्दी बोलो ना। कल मेरी छुट्टी है, मैं हमेशा की तरह काम पर जाने के लिए निकलूंगी, तो मुझे कहीं ले चलोगे क्या? मेरा भी मन करता है कि इस गाड़ी में बैठकर कहीं दूर जाऊं, ले चलोगे ना? इसलिए इतनी एक्टिंग कर रही थी क्या? कितने बजे आना है बोलो। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। अबे छोटे भाई यहाँ अगर सो गया तो तेरे दिल में दर्द नहीं हो रहा है क्या?
मालिक के पास मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा बोलकर मैंने गाड़ी मांगी है। तुझे अगर पूछा ना तो तू भी वैसे ही बताना। अच्छा, ऊपर अगर सोना चाहता है क्या? नहीं नहीं, तू मत आ। ठीक है ठीक है, तू बहुत ही हमदर्द आदमी है, मैं तो यूं ही तुझे मजबूर कर रहा हूँ। मालती, कल तू अपने काम से छुट्टी लेकर आ रही है, कहीं बाहर जाने की सोच रही है, कहाँ चले? अच्छा, कहाँ जाना चाहिए बे? कहीं भी जाएंगे तो भी कोई ना कोई देखने आ ही जाता है। लेकिन एक बात तो है, आज उससे मिलकर मैंने बातें की तो बहुत अच्छा लगा। ये सब तेरी जिंदगी में तो कभी नहीं हो सकता, तू बस दूसरों की कहानियां सुनता रहेगा। इतनी रात को ये यहाँ क्यों आ रहा है? ये चल बहुत हो गया, चल जल्दी सो जा, सो जा। अरे बाप रे, मुर्गेश। अरे जी मालिक। लाइट जल रही थी तो सोचा क्या पता तू सोया नहीं होगा तो बात कर लूं। नहीं नहीं वो। अरे कुछ खास नहीं, देखना दो हफ्ते बाद मेरी शादी की सालगिरह का दिन आ रहा है, कैसे भी करके मुझे गाड़ी चलाना सिखा देना, नहीं तो वो बेचारी सोचते सोचते सूख जाएगी। उसने तो मुंह से भी बोल दिया रे, हैं? उसे कार की स्टीयरिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा तो भी कोई बात नहीं, तू ही चलाना, मैं तो बस तेरे बगल में बैठ के स्टीयरिंग को इधर उधर घुमाता रहूंगा और कुछ नहीं। और उसे लगेगा कि गाड़ी मैं चला रहा हूँ तो उसे लगेगा कि मुझे आ गई चलानी, और तू बोलना कि मालिक आप क्या जबरदस्त गाड़ी चला रहे हो। मंदिर जाकर आएंगे, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी रे, छोटी बच्ची की जैसी इच्छा रखी उसने। हाँ समझ गया हूँ रे, शादी की सालगिरह तक गाड़ी नहीं सीख पाऊंगा मैं। वो क्या सिखाया था तूने? वो ABC, वो अब तक मेरे दिमाग में बैठ ही नहीं है। थोड़ा सोच ना रे, हाँ? तू सो जा सो जा। हाँ तू बोला था ना सुबह तुझे कहीं बाहर जाना, सो जा सो जा। हाँ एक्सीलरेटर क्लच ब्रेक अभी मुझे बराबर याद है। मालिक उड़िए, गाड़ी सीखने चलेंगे। क्या गाड़ी सीखने चलते हैं, चलिए। क्या बोल रहा है? एक दो तीन चार पाँच, है? तूने तो बोला था कि 10 दिन के बाद चलाना, उससे पहले नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी 9 दिन में भी आप चला सकते हो। ठीक है मैं बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आ जाओ। मुर्गेश, हाँ एक्सीलरेटर ब्रेक क्लच, सही है ना? क्या सही है, और कितने दिनों तक तो ये बोलते रहोगे? यही बोलते रहेंगे तो गाड़ी नहीं चला सकते। शादी की सालगिरह के लिए 2 हफ्ते भी नहीं बचे, इतने दिनों में गाड़ी सीखनी है कि नहीं? आ, वो तो है, तो जो बोलता हूँ उसको जल्दी से याद करिए, वरना कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ। क्लच पर पैर रखकर दबाइए। इसे ऊपर किया तो ये हो गया फर्स्ट गियर, ये सेकंड, ये है न्यूट्रल, अभी पहला गियर डालिए। लगा क्या? आवाज सुनाई थी? अब क्लच को धीरे धीरे छोड़िए और एक्सीलेटर को दबाइए। रोड को कौन देखेगा? मालिक, मालिक आप घबराइए मत, मैं हूं ना साइड में, तो अब चले धीरे धीरे से निकालिए, आहिस्ता। कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट कीजिए। अरे मालिक, लाइए लाइए, आप क्यों पूछ रहे हो, लाइए मैं करता हूं ना, लाइए।
लेकिन आज मेरी गाड़ी है, ऐसा रॉब से बात कर रहे हैं। कौन? अपने मालिक? हाँ। अरे वो तो सबसे ऐसी बात करते हैं भाई, उनकी बातों को बुरा मत मानो, छोड़ो। नहीं यार पीड़ा, सही ढंग से बात करने वाले अचानक क्या हो गया? वो गाड़ी सीखने के बाद हमें भगा देंगे, इस बात का डर लगता है। भाई ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, बिना मतलब के क्यों गलत सोच रहे हो? ए, तू नहीं समझेगा बे, पहले ऐसी शुरुआत होती है, फिर मामला गांव पर फैल जाएगा, सब तेरे ही वजह से हुआ। अगर तू गाड़ी ठीक से धोता तो इसकी नौबत ही नहीं आती। भाई क्या भाई 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 कह रहा है मुझे, गाड़ी धोना छोड़कर कौन सा बड़ा काम करने गया था? भाई वो दिल से किसी को कुछ नहीं कहता है भाई। अरे नहीं बे, लेकिन जब से उन्होंने मुझे बोला है तब से मेरा दिल नहीं मान रहा है, वो अगर गाड़ी सीख लेंगे तो कहीं मेरा पता यहाँ से कटना हो जाए। हाँ। सब कुछ चला जाएगा सब भाई। और अब तो उन्हें गाड़ी सिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि माँ जी की भी जिद है कि मैं उन्हें सिखाऊं। आप फिक्र क्यों करते हैं, सब अच्छे से हो जाएगा। अरे वो बुजुर्ग हैं, गुस्से में बोल दिया होगा उन्होंने, इसमें छोड़ने की क्या जरूरत है? अरे तो उसके लिए मेरे पास बोलने लगे। हाँ भी हर बात को लेकर के बैठ जाते हैं। अरे उनकी गाड़ी है तो उनकी रहेगी ना, वो तुम्हारी गाड़ी ही थोड़ी हो जाएगी। इधर अरे एक मिनट, इधर गाड़ी वाड़ी नहीं मिलने वाली है, चल जाए यहाँ से। अबे पीड़ो, ओए हाथ लगा तो बहुत मारूंगा। तुम्हारी बड़बड़ सुनने से अच्छा है कि मरी जाऊं। अच्छा अच्छा, आज इतना टाइम क्यों हो गया, चलो गाड़ी में बैठो। आओ। ए, अरे माफ कर दो यार, मालिक ने एक काम दिया इसलिए मैं आ नहीं पाया। अब बोलो कहाँ चलना है, चलते हैं। पर मुझे अब कहीं नहीं जाना है। ठीक है छोड़ो, परेशान मत करो यार, मैंने जो बोला वो सब झूठ था, मुझे माफ कर दो। मैं कुछ ज्यादा ही आस लगा बैठी थी, पता नहीं क्या क्या सोचकर खुश हो रही थी। तुम्हारी गाड़ी थोड़ी है जो जब मन किया आ जाओगे, आखिर हो तो तुम एक ड्राइवर। हाँ मैं ड्राइवर ही हूँ। अब मैंने क्या गलत किया? तुम कुछ नहीं गलत बोलती, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है मैं जा रही हूँ। जाओ। क्या भाई मुरुगेश, गाड़ी चलाते वक्त ध्यान से नहीं चलाते क्या? अगर हमारी गाड़ी को कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा? हम लोग मालिक नहीं है, ड्राइवर है, समझा? कौन है भी ड्राइवर? क्यों, तू ड्राइवर नहीं है क्या, ओनर है क्या? एक तो पहले से मैं बहुत गुस्से में हूँ, अगर मैं उतर कर आ गया ना तो तुझे जान से मार दूंगा, जा यहाँ से। क्या हुआ, इतने पैसे क्यों इकट्ठे कर रहा है, क्या करेगा इतने सारे पैसों का? अरे वो पीड़ा भाई ने कहा है कि अगर मैं 5 रुपए दूंगा तो मुझे आगे वाली सीट पर बैठाएंगे, इसलिए मैंने ये पैसे जमा किए हैं। मुझे गाड़ी में बैठने का बहुत शौक है। पागल हो गया है क्या, खाने के लिए पैसे खर्च करना गाड़ी में बैठने के लिए कर रहा है? क्या हो गया, क्या देख रहा है वहां? नहीं कुछ नहीं माजी, यूं ही। माजी मालिक चले गए, उन्हें आखिर 1 घंटा हो गया है, अभी अंदर गए हैं कुछ लाने के लिए। ए कैसी गाड़ी चलाते हैं ये? हाँ चला लेते हैं। क्यों भाई किस बात का शोर हो रहा है, कैसे गाड़ी चला रहा हूँ यही पूछ रही हो ना? हाँ मैं क्यों कुछ पूछूंगी भला, मुझे और कोई काम नहीं है क्या? झूठ मत बोलो तुम। ए मुरुगेश ये ऐसे तो मानेंगे नहीं, 2 राउंड लगा के दिखाएं, बुढ़िया खुश हो जाएगी फिर। देखिए बुढ़िया बुढ़िया मत बोलिए मुझे, हाँ वरना मैं ही गाड़ी चलाने लगूंगी। हाँ सेकंड गियर डाल के या फर्स्ट गियर डाल के? चाबी तो मैंने यहीं कहीं रखी थी, कहाँ चली गई? आने दो ने। मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया और ये हिल तक नहीं रही है।
मुर्गेश, चाबी रखकर भूल जाते हैं, बूढ़े हो गए हैं। बढ़िया बोला था ना, तो जवाब में मुझे बूढ़ा कह रही है। पीछे मुड़ के देख रही है क्या? नहीं मालिक। नहीं, देखना तो चाहिए। खैर जाने तो बाद में देखेगी। मुर्गेश, ये पहला और दूसरा गियर लगाने तक तो ठीक है, ये तीसरा गियर और चौथा गियर और पीछे जाना, ये सब मैं कब सीखूंगा रे? हाँ, वो सब सीख जाओगे तो हम सब किस लिए? मंदिर ही तो जाना है ना, 20 की स्पीड में जाकर 20 में ही आ जाना। रिवर्स भी कुछ सिखाऊंगा नहीं, ऐसे ही गाड़ी सीख कर मुझे भगाने की सोच रहे हो ना यहाँ से? अरे बाप रे, ऐसा कैसे बोल रहा है रे तू? मैं तुझे क्यों भगाऊंगा, मैं तो तुझे साथ ले जाऊंगा जब हम मंदिर जाएंगे। अभी भी ये सीखने के पीछे पड़े हैं। यकीन नहीं हो तो एक बात कहूं, मंदिर से आने के बाद मैं गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, कसम से। सच में? सच में, कसम से। चलिए डालिए, गियर डालिए आराम से, चलिए। अभी दूसरा। डरिए मत, कुछ नहीं, डरिए मत। स्टेयरिंग को टाइट मत पकड़ना, लूज लूज छोड़ दीजिए ना। ठीक है, मैं देखता हूँ। अब रुकिए, कुछ नहीं है। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, मैंने बोला ना कुछ नहीं। आइए, आप छोड़िए। अरे मैं देख लेता हूँ, आइए। अरे मैं ले रहा हूँ ना पीछे, आप रुकिए। हाँ ये पीछे गई थी, पीछे गई थी, चला। आप डरिए मत, आराम से बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, मैं कह रहा हूँ ना, अंदर बैठ जाइए। अरे बैठिए ना, दूसरे को बुला लेना। कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा सब कुछ। मुझे आता नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी, आप बैठ जाइए, कोई इतना बड़ा खास मसला नहीं है। अच्छा सुनिए, जब मैं बोलूँ तब क्लच छोड़ना, क्लच छोड़िए। बाजू में बैठी है। बस, कल सुबह जल्दी जाना है और जाकर जल्दी आना है। मालिक, गाड़ी चलाना सीखते वक्त ये सारी आम बातें हैं, सब कुछ भूल जाइए, जाइए जाइए ना। क्या हुआ बताना, अब तक आप गए नहीं क्या? मालिक, गाड़ी सीखते वक्त मैंने कितनी बार पत्थर को ठोका है आपको पता है क्या? ये कोई बड़ा मामला नहीं है। चलिए अब चलते हैं मालिक, आइए आइए, चलिए आप भी ना। क्या कंडीशन हो गई है गाड़ी की, सब कुछ लूज हो गया है। चल अच्छा ये बता, गाड़ी कहाँ ठोकी थी? वो एक दिन पहाड़ पर जा रहे थे तो पत्थर में ठोंक दिया।
ये सब क्यों निकला हुआ है? तुम लोगों ने इसमें छिड़कानी की थी क्या? ऑयल टपक रहा था ना इसलिए। ए, गाड़ी में ऐसे वैसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना तो फिर मैं नहीं देखूंगा। सुनो, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो आके मुझे बोलने का, मैकेनिक मैं हूं या तुम? ठीक है ठीक है। चल वो 10-12 का पाना निकाल। क्या हुआ मुर्गेश? कुछ नहीं मालिक, ऑयल टपक रहा था ना इसलिए मैकेनिक को बुला कर दिखा रहा हूँ। कोई बात नहीं, ये हमारे मालिक हैं। नमस्ते। हाँ, आप लोग बहुत दूर गए थे क्या? हाँ, उस दिन गाड़ी ज्यादा चली थी क्या? नहीं, ज्यादा दूर तो नहीं जाते, बस पड़ोस के गांव से बैल का भूसा लाते, खाद वाद या बाकी और चीजें भी ले आते हैं, बस और कुछ नहीं। मैकेनिक को कितना भाव खा रहा है ये। कार को कार जैसी चलानी चाहिए, लॉरी जैसे चलाओगे तो कैसे चलेगी? इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट यहाँ नहीं मिलते हैं। गाड़ी एक ही आदमी को चलानी चाहिए, गड़बड़ हो गई तो भंगार वाले को बेचना पड़ेगा। अभी तो मैंने देख लिया है और ठीक भी कर दिया है, आगे से ऐसी गलती ना हो, ध्यान रखना। फिर से ऑयल लीक नहीं होना चाहिए। दादा, निकल दें क्या आप? हाँ, क्यों? नहीं, वो गाड़ी के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था आपसे ऐसे ही। अबे अपना चेहरा देख, चल जा। दादा, हाँ? संभल कर जाइएगा, संभल के। बस इतना ही लग गए क्या? माँ जी, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब हम देख लेंगे। वो कमीना पैसों के लिए आकर हमें डरा कर जा रहा है। मालिक बताइए आप। अरे बताइए ना मालिक। अरे हाँ, पता है क्या क्या बोला? वो बोला कि अच्छे से देखभाल करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, और बस और कुछ नहीं। हाँ। देखो तो क्या हो गया, शायद किसी की नजर लग गई है, गाड़ी की नजर उतारती हूँ। गाड़ी को तो कुछ नहीं होगा ना मालिक? अभी क्या, ऑयल नहीं गिरना चाहिए बस इतना ही ना। ठीक है, देख लेंगे, छोड़िए। अगर तू बोले तो मैं आज से गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं गाड़ी को ले जाकर राउंड मारता हूं, आप आराम से सोचते बैठिए। भाई, मैंने हॉर्न बजाया तो सुनाई नहीं दिया? नहीं सुनाई दिया। ए, तुझे सुनाई दिया क्या? नहीं भाई, मुझे नहीं सुनाई दिया। एक्टिंग मत करो, गाड़ी को बीच रोड पे खड़ा करके क्या कर रहे हो? ब्रेकडाउन हो गया है भाई। वही तो, जिन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता उन्हें देंगे तो क्या होता है, गाड़ी का ब्रेकडाउन ही होगा ना। पहले अपने गाड़ी को रेडी करो, बाद में रेस कर लेंगे, समझे? गाड़ी चलानी नहीं आती है और बड़ी बड़ी बात है। चल बाजू हट। हाय, चलो ठीक है, मेरा दिल बता ठीक है भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ। पोली पट्टी जाने वाले सबको गाड़ी में बैठने दो। नहीं, रहने दो भाई। हाँ। जल्दी करना, ए चौक तक जाने वाले, चलो बैठो। ए, चुप करना, अरे फिर देर हो जाएगी तो घर में डांट खानी पड़ेगी और बाद में चलकर जाना पड़ेगा, चलना। हाँ, जाओ जाओ जाओ, सब गाड़ी में बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। ए, कहाँ जा रहा है? बैठने जा रहा हूँ भाई। कार में बैठेगा, चल निकल यहाँ से। अरे मार क्यों रहे हो? अरे गाड़ी में तो जगह ही नहीं है। भैया थोड़ा हटिए ना, इसको बोल अंदर बैठने के लिए। ए, चल अंदर जा, चुप कर ना। अरे जा ना। ए चलो, मुझे जाना है, चल निकल। Thank you.
मुर्गेश, साड़ी अच्छी है ना रे? पूछ लिया बता देता हूँ, कसम से अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है मालिक। ठीक है छोड़, इसे ले जाके मैं छुपा के रख दूंगा और शादी की सालगिरह वाले दिन निकाल के दूंगा। क्या हुआ? हाँ अभी देखता हूँ। मालिक थोड़ा उतर चाहिए और तुम भी उतर के धक्का मार। धक्का मार थोड़ा जोर से मार। अरे मालिक नहीं नहीं आप मत धक्का मारिए। अरे क्या कर रहे हो? चलो चलो चलो, अरे चलेगा चलेगा। हाँ लगा, हाँ जोर से नहीं बस लगा, लगा थोड़ा सा। चल चल और जोर लगा। स्टार्ट हो गया। तू जोर से धक्का मार ना यार। चल चल चालू हो जाएगी। मुर्गेश। हाँ मालिक। अरे ऐसा क्या हो गया इसे, जरा देख के बता ना। ठीक है मालिक। मालिक मालिक चाबी मत देना। नमस्ते मालिक। नमस्ते। बात क्या है मालिक आज इस तरह? वो चाबी कहीं पर गिर गई है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए, जरा देखना यार। अरे अंधेरे में ढूंढने की क्या जरूरत है, हम लोग है ना धक्का मारकर घर तक छोड़ आएंगे। हाँ सुबह चाबी ढूंढ कर आपको दे दूंगा। हाँ ठीक है चलिए, सामान गाड़ी में रख दीजिए। ए धक्का मारना। अरे वो कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। चलो चिंता मत कीजिए, आराम से लेकर चलेंगे। आवाज मत कीजिए, आवाज नहीं, आवाज नहीं। आराम से आराम से। हाँ इधर बस। हाँ आराम से आराम से। मालिक मुर्गेश। जी मालिक। उसे पता चलने से पहले से ठीक करवाना होगा, पता चल गया तो बहुत नाराज होगी। मालिक ये सब बताने की जरूरत है क्या? सुबह मैकेनिक को बुलाकर बनवाया तो बस काम हो गया, आप जाइए। ठीक है। भाई अरे तुम अभी तक यहीं पर हो क्या? ये लीजिए, आपकी जेब से गिर गई थी, कोई देख ना ले इसीलिए रख लिया था, किसी को भी नहीं बताऊंगा भाई। आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होगा भाई, आप परेशान मत होइए, मैं चलता हूँ। हाँ। अरे कहाँ हो भाई, कहाँ चले गए? सबको ठीक से मिलना चाहिए, बच जाएगा तो चलेगा, लेकिन किसी को कम नहीं पड़ना चाहिए। हाँ हाँ भाई। क्या हुआ? मैकेनिक गांव में नहीं है कह रहा है, बोल रहा दो दिन लगेगा आने में, ढंग से बात ही नहीं करता है वो। क्या हुआ? मैकेनिक गांव में नहीं है, आने के लिए दो दिन लगेंगे कह रहा है। दो दिन में आ जाएगा ना, जब आएगा तब बनवा लेंगे। एक तो पहले से ऑयल गिर रहा है, इसलिए पहले ही देख लेंगे तो मुसीबत नहीं रहेगी। अभी माजी को पता चलेगा तो क्या कहेंगे पता नहीं। मालिक माजी ए, गाड़ी लेकर जा, आ, इसको भी लेकर जा और सारा सामान लेकर आ। अन्नदान के लिए कहा था ना, फिर सालगिरह के दिन ये नहीं है वो नहीं है ये नहीं सुनना है मुझे। साथ में जा और सब ठीक से देख कर ले आना, ठीक है? जा जाओ जाओ। क्या हुआ? वो चाबी गाड़ी खराब हो गई है मालिक। तो क्या हो गया? वो दो दिन के बाद आएगा ना, तो तब ठीक करवा लेंगे, कौन सी बड़ी बात है? अब जब वो है ही नहीं तो हम लोग मिलकर क्या कर सकते हैं? अब
बाद मुंह लटकाने की क्या जरूरत है? वो सब बात नहीं है, एक बार बंद पड़ी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है ना, इसलिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक से हो जाएगा, जाइए। अच्छा ये बात मुझे नहीं बतानी है, ये दिमाग किसने लगाया? जानते हो इन्हें लगा होगा, मुझे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। ए वीरा घर का ख्याल रखना, मैं आती हूं। मुझे 10 पैसे दो ना माँ, तुमने कहा था ना दूंगी। मैं बाहर जाकर आती हूं, रुक जा, आकर दे दियो ना माँ। अरे मुझे देर हो रही है, जाने दे, मैं शाम को आकर देती हूं। माँ देख कर जाओ ना माँ। अरे जा ना, जा 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 अंदर। क्या दादा, दो दिन बाद आने के लिए बोला था, बड़ी जल्दी आ गए आप। इसके बाद मुझसे कभी बात मत करना। मैंने तुमसे बात किया क्या? एक बार बात करने में कितना झेला पता है? ए, यहाँ क्या कर रहा है बे? दादा वो चाबी गुम गई है, उसी को ढूंढ रहा था। कैसे हो भाई, आने में दो दिन लगेंगे कहा था ना। तू मेरी छोड़, यहाँ क्या कर रहा था ये बता। वो गाड़ी में कुछ, वो गाड़ी में अगर कुछ ऐसा। अच्छा ये बात है, ये है ना तुम्हारा मैकेनिक, इसे ही दिखवा लो। अरे भाई कुछ नहीं भाई, वो तो बस यूं ही। तुम लोग ऐसे अलग अलग बातें क्यों कर रहे हो? है? नहीं भाई मैं तो बस ऐसे गाड़ी की काम करवा रहे हो, ऊपर से नखरे अलग। हमारी गाड़ी कोई खटारा नहीं है। ए, मैं किसी भी कीमत पे तेरी गाड़ी नहीं बनाने वाला हूँ, जाके से भंगा ले। चल। अरे भाई 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 सुनो सुनो, गुस्सा मत हो ना, बताओ ना क्या परेशानी है। मालिक अपनी गाड़ी को भंगा बोल रहा है ना, नाराज मत हो। आप देखो अब आप ही बताओ, ये गाड़ी पता नहीं चलेगी भी या नहीं चलेगी, ऊपर से ये लोग हाथ लगा देते हैं। चुप रहे मालिक, मैंने कुछ किया ही नहीं है। आप देखिए देखिए, आपको किसे कहाँ रखना मालूम नहीं, पर ड्राइवर को ड्राइवर की जगह ही होना चाहिए। चल बाहर निकल, जा निकल बाहर, तुझे बताने की जरूरत नहीं कि किसे कहाँ रखना है। चल जा। जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है। बाहर निकल, मेरे बगैर इस गाड़ी को कोई ठीक नहीं कर सकता। अरे दादा 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 दादा, मालिक की बात का बुरा मत मानिए, अगर गाड़ी से संभल कर जाइएगा आप, संभल के। तेरे मुंह से ये बात सुनने के बाद मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगा, पैदल चला जाऊंगा। गाड़ी खड़ी है तो क्या हुआ, हम उसे चलाते तो हैं। मुझे पता नहीं है क्या, सारे गांव के लड़कों को देते हैं, मैंने आकर मांगा तो मुझे नहीं देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है बेटी। देखिए पापा, वो मुर्गेश है ना, वो इतना भी अच्छा नहीं है जितना आप उसे समझते हैं। गाड़ी में लड़की को बैठा कर उसे यहाँ वहाँ घुमाता रहता है। उसके छोटे भाई के फ्रेंड का जो स्टूडियो खोला है ना उसने, जिसने आकर हमारी शादी की फोटो निकाली थी, उस स्टूडियो में जाकर एक लड़की के साथ उसने फोटो खिंचवाई थी। उस लड़की के साथ फोटो खिंचवाने के लिए पता है उसने क्या किया, पूरी की पूरी बस रुकवा दी। एक दिन बस खराब हो गई थी तो उसके घर तक उसे गाड़ी में छोड़ने गया था। दोनों बाहर छुप छुप कर मिलते हैं, ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा है पापा, आप चाहें तो इसी से पूछ लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, वो मुझसे कहकर ही लेकर गया था। हाँ। क्या कहकर ले गया था? कि उस लड़की के साथ घूमने जा रहा है और उसके लिए गाड़ी दो, ऐसा कहा था? हाँ? पापा आप भी इसकी बातों में आ गए ना, गाड़ी लेने की बात भी आपने मुझे नहीं बताई। मैं तो इतने दिनों से सोच रही थी कि दूसरे की गाड़ी है, सारे गांव को दे सकते हैं पर मुझे नहीं दे सकते, सही कह रही हूँ ना? बड़ों का लिहाज भूलकर क्या कब से बोले जा रही है, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए, जब भी इस घर में आती है कुछ ना कुछ लेकर ही जाती है ना? देखा ना आपने, इस बात पर भी मुझे सुना दिया। सुनिए जी, इस घर में हम सिर्फ लेने आते हैं ऐसा कह रही है ये, अब भी बैठे क्यों है, चलिए यहाँ से। अरे रुक ना बेटी। क्या जी, आपने देखा नहीं क्या बोल रही है वो? मैडम जी बैठी बैठी बैठी, मैंने तुझे कुछ कहा क्या? छोड़िए पापा। अरे गुस्सा क्यों कर रही है, क्या बोल दिया मैंने तुझे? चल आजा बैठ बैठ इधर।
बात यह है बेटी कि गाड़ी में छोटी सी प्रॉब्लम है, उसे ठीक करवा के तेरे पापा तेरे पास पहुंचा देंगे। ये क्या जी, कुछ भी बोल रहे हैं आप? चप्पल से मारूंगा मैं, कुछ भी बोलती रहती है, अंदर जा। ठीक है ना बेटी? मतलब गाड़ी नहीं चल रही? तेरे पापा सच बोल रहे हैं, गाड़ी अभी नहीं चल रही है, पूरा गांव परेशान है, सच बोल रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं है। चाबी कहाँ है? ये लीजिए, गाड़ी निकालिए। ए चलो यहाँ से। मैंने झूठ नहीं बोला था बेटी, अब जल्दी से चलिए यहाँ से। मालिक मालिक मालिक, वो अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, उन्हें समझाइए ना। तो वो लोग लेकर जाएंगे तो फिर कभी वापस नहीं देंगे, आप उन्हें बोलिए ना मालिक, उनसे बोलिए ना। गाड़ी जाने की वजह तू ही तो है, कितना भरोसा किया था तुझ पे, एक बार भी तूने मुझे सच नहीं कहा। मेरी बेटी के सामने मैं झूठा ठहर गया ना, मेरी बच्ची सोच रही कि मैंने उसे झूठ बोला। तुझे कहीं आना जाना था तो मैं कभी तुझे मना करता था? पर एक बात मुझे समझ में आ गई कि किसे कहाँ रखना चाहिए। यहाँ पे क्यों खड़े हैं आप, आइए ना। फोन आया था क्या? किसका? ए अरे गाड़ी लेकर गए ना, गाड़ी कैसी, ऐसा कोई फोन आया था क्या? ऐसा कोई फोन आया लगता तो नहीं है। मालिक क्या कर रहे हैं, कुछ पूछा क्या मेरे बारे में? माँ जी तुम्हें पूछती रहती हैं, देखा ना भाई, उस दिन मालिक ने आपके बारे में बोलकर आपकी बेइज्जती कर दी, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो जब तक खुद नहीं बुलाया अंदर मत आइए। ऐसा नहीं हो सकता बे, बीच में घुसकर चमचागिरी करने की सोच रहा है? हाँ मार डालूंगा तुझे, कितनी भी बातें होने दो, ये मेरा घर है, वो नहीं बोलेंगे तो भी मैं अंदर जाऊंगा। ठीक है भाई, और वो भी हक से जाऊंगा। हाँ। देखता हूँ कौन निकलता है मुझे। वो अंदर नहीं आएगा, वो गुस्से में बैठा है ना। ए गुस्से वाले अंदर आ जा।
अरे मेरे बाप गलती से बोल दिया, मुझे माफ कर दे। अरे मालिक क्या बोल रहे हो? क्या हुआ, तुझे भी खाने के लिए कहे तो सुनाई नहीं देता है क्या? माँ जी अभी कसम से खाकर ही आ रहा हूँ, मैंने बोला ना। ए, अरे तू बोलना। बासी खाना माँ। ए मुर्गेश उन्हें और इडली देना। मालिक इडली ले लीजिए। सुन तू इतना गुस्सा क्यों करता है, है? सुबह से दरवाजे के बाहर इधर उधर क्यों घूम रहा था तू? किसने बोला आपसे, मुझे कोई काम वाम नहीं है क्या? तू बाहर चक्कर नहीं लगा रहा था? नहीं चक्कर लगा रहा था। देखा ये इधर उधर नहीं घूम रहा था, सुबह से मैंने किसी और को देखा था। ये भी इसकी तरफ नहीं देख रहा। क्या वो कड़ जैसा कहो? कहां गई वो, दिख नहीं रही है। आ जाएंगे मालिक। मालिक कुछ लेकर जाना है क्या? है? कुछ खाने को लेकर जाना है। अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया, कुछ फल लेकर आने हैं। अरे वो कहां गई, आई नहीं अभी तक। हे, जल्दी बनाओ, बोला तो मेरा चेहरा क्यों देख रहे हो तुम? सुबह ही आकर तूने गाड़ी दी थी ना, और अभी रॉक दिखा रहा है, पीड़ा। देख भाई मेरा सर नेम लेकर बुलाने की जरूरत नहीं है, सीधा नाम लेकर बुलाओ। नाम क्या नाम है तेरा? प्रेमराज। प्रेमराज पीड़ा, इसमें से तेरा नाम कौन सा है? ए, पीड़ा मेरा सर नेम है, प्रेमराज नाम मेरे चाचा ने रखा है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जा, जा पीड़ा कहीं का, चल निकल पीड़ा। तुझे इतना बोलने के बाद भी मुझे पीड़ा पीड़ा बोल रहा है, देख तेरा आज क्या करता मैं। अरे ए, तुम ए, तेरा मैं। अरे रुक, तुझे क्या कर रहा? अरे चल, अरे किस पे, अरे रुक जा, अरे तू बोल रहा है, अरे बोल रहा है, खराब हो गया, झगड़ा क्यों कर रहे हो? रुक जा मालिक, मैं इसे कब से समझा रहा हूँ लेकिन बार बार मुझे पीड़ा पीड़ा कह के बुला रही है। ज्यादा बकवास मत कर, पीड़ा कहीं का, समझाइए ना तो इसका मुंह तोड़ दूंगा मैं। ए तू चुप रह, तू क्यों बार बार इसे पीड़ा पीड़ा बोलता है? हाँ। इसे देख के तुझे दया नहीं आती? गाँव में सब लोग मुझे पीड़ा पीड़ा ही बोलते रहते हैं। ठीक है, आप अकेले मेरी बात को समझते हैं बस, लेकिन आपको कोई नहीं समझता। मालिक 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 गलती से बोल दिया। मालिक क्या हुआ? मालिक 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 क्या हुआ मालिक? अरे ओ पनौती, लगता है तेरी बात सुनकर मर गए। मालिक 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 क्या हुआ मालिक मालिक? अरे बाप रे, गाड़ी बनाने वाले पांडु स्वामी ने मास्टर को मार डाला। बोला था धूप चढ़ने से पहले आ जाएगा लेकिन अभी तक नहीं आया। अरे गाड़ी कहाँ है? गाड़ी का चक्का खोल करके बैठा है, वही बना रहा है मालिक। फिर तो हो गया काम, जाओ। अरे सब भाग क्या, इसमें चलेंगे। अरे भाई रोको रोको। अरे आ जाओ ना। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते। आप बैठिए मालिक, यहाँ बैठिए। नमस्ते मालिक। हाँ नमस्ते। हाँ जल्दी आओ। हाँ चलो भाई चलो। ए यहाँ देखो, मुर्गेश भाई आए हैं। चलो चलो। देखा क्या, अपनी गाड़ी से रेस लगाने वाला हमारी ही गाड़ी में आ रहा है, अच्छा नहीं लगता। आ जाओ आ जाओ। ए चलो उठ, उधर जाके बैठ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ बैठो यहाँ बैठो। बैठो ना भाई, टेंशन नहीं। ए चुप कर। क्या मुर्गेश ठीक तो हो ना? मेरी ड्राइविंग नहीं देखे हो ना, अभी दिखाता हूं तुम्हें। भाई जाकर उससे कुछ पूछूं क्या? पूछ ले। अब देखो भाई। ड्राइवर भाई अच्छे से आ रहा है? घर में बीवी बच्चे सब ठीक है? आपको क्या है भाई, आप तो राजा की तरह मिनी बस चला रहे हो, अच्छा ही होगा सब। कंडक्टर साहब आप तो परमानेंट है, आपको कोई हिला ही नहीं सकता। चलो भाई चलो चलो, बढ़िया है सब, सब अच्छे हैं। चलो कितनी बार उससे पूछा, कुछ बोला ही नहीं उसने, हैं? और कितनी बार पूछता है? जब पूछना चाहिए तो पूछो नहीं, और अब क्या बोल रहा है पागल। अरे छोड़िए ना भाई, जाने दीजिए उसे, जीने पीड़ा। पीड़ा भूल से भी मुझसे अच्छा हो ऐसा पूछ मत लेना, सोच समझ कर बोलना भाई।
हमेशा जल्दी खाना बन जाता है। आज ही थोड़ी देर हो गई पापा, आप रुकिए 10 मिनट में बन जाएगा। आराम से बनाना। मालिक पूछिए। हाँ पूछता हूँ ना। कब आए आप लोग? बस अभी अभी आए हैं। खाना खाया? हाँ वो बना रही है। सुसा? हाँ माँ जी। खाना बन गया है तो दे। तुम क्यों खड़े होगे, बैठ जाओ ना। अच्छा बेटी। हाँ? इस शुक्रवार को तुम कहीं बाहर जा रहे हो क्या? क्यों पापा? कुछ नहीं, अगर तुम और दामाद कहीं जा नहीं रहे हो तो मैं तेरी माँ को मंदिर तक ले जाऊँ, सब साथ जाएंगे तो अच्छा लगेगा ना? नहीं पापा, उस दिन सुबह शायद इन्हें अपने छोटे भाई के घर जाना है ऐसा कह रहे थे, अब फिलहाल तो बाहर गए हैं, पता नहीं कब आएंगे, देर भी हो सकती है पापा। तू काम कर। दामाद जी आ जाते तो मैं उनसे भी मिल के चला जाता, ऐसा सोचा था। उन्हें आने में तो टाइम लगेगा ना पापा। ठीक है बेटी, तो तू जाके काम करना। उससे ऐसा वैसा पूछकर देखा, गाड़ी नहीं है। दामाद जी भी होते तो गाड़ी देख लेता ना, वो भी नहीं मिले। ए, तू उनके पीछे पीछे जा, मैं आता हूँ। जा, जा, जा ना। दीदी, दीदी। क्या हुआ, कुछ भूल गए क्या? नहीं, मालिक और माजी दोनों शादी की सालगिरह के दिन मंदिर जाने वाले हैं, तो वही बताने के लिए आया था। वो परेशान होकर मालिक बिना बोले जा रहे हैं। मैं नहीं आता हूँ दीदी, आप और जीजा जी ले जाकर आ जाओ। क्यों, ये बात पापा नहीं कह सकते थे? और अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो खुद भी मांग सकते थे ना। तुम अपने काम से मतलब रखो, खुद मौज मस्ती करनी है और पापा का नाम ले रहा है। पापा भी पता नहीं कैसे लोगों को रख लेते हैं। कहाँ गए थे तुम लोग? हाँ? इन्होंने कहा और तुम लोग पीछे पीछे निकल पड़े? तुम लोग मांगोगे और वो उठाकर दे देगी क्या? नहीं माजी, मालिक की कोई गलती नहीं है, मैं ही इन्हें लेकर गया था। दी उसने? तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, एक बार उसके हाथ में चीज गई वापस नहीं आएगी। वो जब भी यहाँ थी, वो जो कुछ भी मांगती ये उठाकर दे दिया करते हैं, कभी मना नहीं करते। लेकिन वो गाड़ी, उसमें ये बच्चों की तरह घुमा करते थे, इसलिए। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग खाना खा लो। देख, गाड़ी नहीं है इसलिए इस घर की तरफ देखना छोड़ मत देना, हमेशा की तरह आते जाते रहना। हाँ ठीक है माजी। क्योंकि तेरा चेहरा देखे बगैर ये मैं खाना नहीं खा पाएगी, ठीक है ना बेटा? ठीक है माजी। गाड़ी मांगने पर भी नहीं दी तो वापस जाकर मांगो ना। सही नहीं रहेगा, अगर वापस जाएंगे तो वापस आने का कोई चांस नहीं है। क्या चांस नहीं है, कितनी बार जाकर पूछा? अरे क्या बोल रही हो, कार में जाना पसंद है, साइकिल पसंद नहीं है क्या? भेजा घुमा रही है, जा यहाँ से। अब पूछना भी मत, ठीक है? कुछ भी करके गाड़ी लेके ही आना है। हाँ? हाँ। गाड़ी नहीं चलेगी, उसको रिपेयर हाँ? करते हैं, फिर अपने पास ही आएगी। हाँ? वही बहाना बना के मालिक और माजी को मंदिर लेके चलेंगे। हाँ? 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 गाड़ी कैसे स्टार्ट हुई ये पता नहीं। हाँ? हाँ? कुछ भी हो जाए हाँ? गाड़ी को लेकर ही आना है। हाँ? अपनी हाँ? गाड़ी है वो। मैं ये पूछ रहा था कि मैं तुम्हें मंदिर कार से नहीं लेकर गया इसलिए तुम नाराज हो गई हैं? सो गई क्या?
इसे कब वापस लेकर जाएंगे देखते हैं। लेकर आप लोग जल्दी जल्दी निकलो, हम लोग पीछे पीछे आते हैं। हाँ जाओ। ये क्या ऐसे हाथ घुमा रहे हैं, जल्दी जल्दी खाइए ना। मुर्गेश को कहा तो है कि वो जाकर वहां से गाड़ी ले, उसी में चलेंगे। मैं थोड़ी हिम्मत करके बेटी से अपनी गाड़ी मांगता तो शायद वो दे भी देती, पर कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है मैं आपसे नाराज हूँ इसीलिए परेशान हो रहे हैं? आप गाड़ी चलाना सीख जाए इसीलिए ऐसा कह रही थी, वरना मुझे क्या जरूरत है? अब हम दोनों की कोई उम्र है क्या कि कार में बैठकर मंदिर जाएंगे? नहीं, नहीं, इतने दिनों से क्या कार में बैठकर मंदिर जा रहे थे हम लोग? अच्छे से बैलगाड़ी में बैठकर दोनों मंदिर जाएंगे। वैसे भी कार में बैठने से मुझे बहुत डर लगता था, सोचती थी अगर कार में बैठने के लिए कहेंगे तो कैसे बैठ पाऊंगी, लेकिन कभी कह नहीं पाई आपसे। मुझे तो गाड़ी वाड़ी में बैठना ही नहीं है, अपनी तो बैलगाड़ी ही ठीक है। हाँ भैया, माजी गाड़ी आ गई है, चले। ठीक है, चलते हैं, चल। ए मुर्गेश, हम लोग ना जितनी जल्दी हो सके एक नई गाड़ी खरीद लेंगे। हाँ ठीक है, तू परेशान मत हो बेटा। माँ जी, क्या माँ जी आप भी, मैं तो समझा था कि आप परेशान होती होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गाड़ी कहाँ गई है माँ जी? अपनी दीदी के घर में ही है ना, जरूरत है बोलेंगे तो वो दे देंगे, गाड़ी मिल जाएगी। माँ जी गाड़ी में जाएंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, मालिक के साथ बात करने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर बैलगाड़ी में जाओगी तो उनके साथ बाजू में बैठकर बात करते हुए जा सकते हो। चलिए चलते हैं। ए, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। बदमाश। पापा, पापा, क्या हुआ बेटी? हाँ? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ, तू इतना भाग के क्यों आ रही है? हाँ? थोड़ी ही देर में हम ऊपर पहुंच जाते। हाँ? हाँ? क्या बोल रही तू? आपने वो गाड़ी दी थी ना, बीच रास्ते में ही बंद पड़ गई, वो एक लॉरी से हमारा एक्सीडेंट होने ही वाला था। क्या बोल रही है? ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए तो फिर कैसी बातें करनी चाहिए पापा? जब से लेकर गई हूँ कोई काम ठीक से नहीं हो रहा, लगता है पनौती की गाड़ी है। सामान संभाल कर बात कर, ये चुपचाप सुन रहा है इसलिए कुछ भी बोल देगी। कमाल ज्यादा मत बोलो वरना मेरा भी मुंह खुल जाएगा। इस गाड़ी की वजह से आज आपकी बेटी की जान जाते जाते बची, और उस गाड़ी के लिए आपने आज मुझे डांट दिया पापा। ऐसा नहीं है बेटी, मैं जा रही हूँ पापा। क्या बोल रही है? आज के बाद कभी भी नहीं आऊंगी। छोड़िए, कभी नहीं आऊंगी मैं। देखते हैं कितने दिन रहता है इसका गुस्सा। चलिए अंदर।
निकालना गाड़ी। जी मालिक। चला। अंदर ले जाकर रख दे। सुनिए ना, जब वो मैकेनिक आएगा ना, उसे अच्छे से दिखाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, तब तक हम इसे अंदर ही रहने देते हैं। चलिए आप अंदर चलिए। ए तू भी अंदर आ जा। ठीक है माँ जी। मुर्गेश। जी मालिक। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कह दूंगा उसे गाड़ी क्या कहा? इतने दिनों तक सीखे हो इसके लिए क्या? संभाल नहीं, मैं नहीं आऊंगा। इतना ही क्या? अरे ये तो मैं संभाल लूंगा। हाँ चल चल। क्या हुआ? कुछ नहीं, गाड़ी इतने दिनों से यहाँ नहीं थी ना, तो मुर्गेश चलाने के लिए उतावला हो रहा था। अरे कुछ नहीं बोलेगी, तू चला ना, चला चला ऐसे चलाने दे। ऐसी बात है, ठीक है मैं आगे चलती हूँ, तुम लोग पीछे पीछे आओ। क्या कर रही हो? मैंने तो पहले ही कहा था ना, आप गाड़ी चलाएंगे तभी बैठूंगी मैं। हाँ कैसी गाड़ी चला रहा है? हाँ वो रेस के लिए बुला रहा है, हॉर्न बजाइए। तो देखते हैं। छोड़िए छोड़िए बोला ना। हाँ
माँ गाड़ी जा रही है माँ, माँ गाड़ी चली गई माँ, माँ गाड़ी चली गई माँ, माँ मुझे गाड़ी में बैठना है माँ, माँ। आज चाहे मैंने कितनी भी बड़ी गाड़ी ले ली, लेकिन उस गाड़ी में नहीं बैठा इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। खाने को आजा बेटा। क्या हुआ, इतने पैसे जमा क्यों कर रहा है, खाता भी नहीं है कुछ? अरे पीड़ा भाई ने कहा था कि अगर मैं 5 रुपए लेकर आऊंगा ना तो वो मुझे गाड़ी की आगे वाली सीट पर बिठाएंगे, इसीलिए पैसे जमा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जरा दुकानदार से बात करके आता हूँ। ठीक है मालिक, जल्दी आ जाना मुर्गेश। हाँ ठीक है मालिक। हाँ चलो चलो, निकलो निकलो निकलो। दीदी आ गई है क्या? मुझे आगे बैठना है भाई। आगे बैठना है, चल भाग यहाँ से। अरे जाओ ना। अरे तुम, खाना खा लिया? हाँ मालिक के साथ खाया। मैं शहर जाकर आ रहा हूँ, वापस आते समय बच्चों को ले आना। हाँ ठीक है सर। शहर जा रहे हो, गाड़ी आपकी है क्या? नहीं भाई, मेरी गाड़ी नहीं है। शहर जाना है क्या आपको? हाँ। आइए अपनी गाड़ी में चलते हैं। ठीक है ना? हाँ आ जा। भाई मैं आगे की सीट पे बैठ जाऊँ क्या? अरे बैठिए ना। अरे तू पीछे बैठ जा। तो चले चलिए।